साल 1995 में एक बड़े फिल्म निर्माता मणि रत्नम ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में हुए दंगों को लेकर बॉम्बे नाम की एक फिल्म बनाई थी। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे दंगों के वक्त शिव सैनिक वहां के मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे और उनसे लूटपाट कर रहे हैं। फिल्म के अंत में दिखाया कि बाला साहब ठाकरे से मिलता जुलता एक कैरेक्टर इस हिंसा पर शोक प्रकट करता है, लेकिन असल जिंदगी में बाल ठाकरे और उनके शिव सैनिक इस फिल्म का विरोध करने लगते हैं और मुंबई में फिल्म को न रिलीज करने की धमकी देते हैं। उस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन थे, उनके बाल ठाकरे से संबंध भी अच्छे थे, लिहाजा वो बात करने के लिए उनके पास गए और पूछा कि क्या शिव सैनिकों को दंगाइयों के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा। ठाकरे साहब ने अपने दबंग अंदाज में जवाब दिया, ना, मुझे दंगों पर ठाकरे के कैरेक्टर का शोक प्रकट करना बुरा लगा, मैं कभी किसी चीज पर शोक नहीं जताता। ऐसे थे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार राज पर हमारी स्पेशल सीरीज और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। परिवार राज सीरीज के इस खास एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के ठाकरे परिवार की, जो पिछले 50 सालों तक महाराष्ट्र की राजनीति पर हावी रहा, लेकिन आज अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज हम आपको महाराष्ट्र की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना के बारे में बताएंगे। उसकी नींव कैसे पड़ी, किसने रखी और कैसे वक्त के साथ शिवसेना ठाकरे परिवार के लोगों के हाथों में हस्तांतरित होने के बाद आज एकनाथ शिंदे के हाथ में आ गई, जो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। बात आजादी से पहले की है। महाराष्ट्र के पुणे में मराठी बोलने वाले एक कायस परिवार में बाल ठाकरे का जन्म हुआ था। वो 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बाल ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे पेशे से लेखक और पत्रकार थे। बाल ठाकरे की जीवनी लिखने वाले सुजाता आनंदन के मुताबिक उनके पिता केशव ठाकरे अंग्रेजी लेखक विलियम मेकपीस ठाकरे के मुरीद हुआ करते थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर केशव ने अपना सरनेम ठाकरे रख लिया था। बताया जाता है कि बाल ठाकरे को शुरू से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी और युवावस्था में कदम रखते ही मीना ठाकरे से शादी कर ली। साल 1948 में ही बाल ठाकरे ने अपने भाई के साथ मार्मिक नाम से एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला। इस पेपर के लिए वो खुद ही कार्टून्स बनाते थे। 1950 में 24 साल के बाल ठाकरे फ्री प्रेस जर्नल में एक कार्टूनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिए। उस वक्त देश के बड़े पत्रकार रहे वैभव पुरंदरे अपनी किताब बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ द शिवसेना में लिखते हैं कि 1960 के दशक में बंबई में ज्यादातर बड़े कारोबारों पर गुजरातियों का कब्जा था। छोटे मोटे काम दक्षिण भारतीय और मुसलमानों ने कब्जा कर रखे थे। मराठियों के लिए काम धंधे का स्कोप ना के बराबर था। अब बाल ठाकरे ने इसी मुद्दे को उठाया और खुद को मराठी मानुस की आवाज बना लिया। इस वजह से वो जल्द मराठियों में फेमस हो गए और 1966 में शिवसेना की नींव रखी। शिवसेना ने अपना पहला मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें दक्षिण भारतीयों की जगह मराठियों को नौकरी देने की बात कही। उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाया, पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ। शिवसेना को बने साल भर हो चुका था। पार्टी के प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे और बलवंत मंत्री को पार्टी का दूसरा बड़ा नेता माना जाता था। हर मंच पर दोनों बड़े नेता साथ नजर आते थे, लेकिन जल्द ही दोनों में मतभेद होने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब बलवंत मंत्री अपने भाषण में कहते थे कि शिवसेना को किसी एक शख्स के कंट्रोल से निकाल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहिए। उनकी ये बात शिव सैनिकों को रास नहीं आई। उन्हें लगा बलवंत बाला साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में एक दिन बाला साहब के खिलाफ नारेबाजी करते वक्त कुछ शिव सैनिकों ने उन्हें मन से नीचे खींच लिया और जूतों से पीटने लगे। उग्र शिव सैनिकों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, चेहरे और शरीर पर कालिक पोत कर खूब जुलूस निकाला। बलवंत को बाला साहब की ताकत का अंदाजा हो गया। वो ठाकरे के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। उसी साल 1967 में एक और बड़ी घटना घटी जिसने बाला साहब ठाकरे का नाम देश के हर कोने में पहुंचा दिया।
उस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में परेल विधानसभा से क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर कृष्णा देसाई चुनाव जीते थे। उन्हें आक्रामक तेवर और बेहतरीन भाषण शैली की वजह से जाना जाता था। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर की किताब जय महाराष्ट्र में इस बारे में लिखा गया है। वो लिखते हैं, 5 जून 1970 की रात लालबाग के ललित राइस मिल में देसाई कुछ लोगों से मिल रहे थे। तभी कुछ लोग उन्हें बुलाकर बाहर ले गए। उस वक्त इलाके में बिजली नहीं थी। इसका फायदा उठाते हुए वो लोग देसाई पर जानलेवा हमला कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। सियासी गलियारे में ये चर्चा थी कि इस हत्या के पीछे शिवसेना का हाथ है। हालांकि बाला साहब ने इस हत्या की निंदा की थी। कृष्णा देसाई की हत्या के बाद 18 अक्टूबर 1970 को परेल विधानसभा में उपचुनाव हुए, जिसमें वाम दलों ने कृष्णा देसाई की पत्नी सरोजनी देसाई को खड़ा किया था। कांग्रेस के साथ कुल 13 वामपंथी दलों ने सरोजनी देसाई का साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने परेल से पार्षद वामन राव महादेव को उम्मीदवार बनाया, जो ठाकरे के करीबियों में से एक थे। उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए बाला साहब ने 15 रैलियां की और वामपंथियों को देश विरोधी बताया, जिसका बड़ा असर हुआ। चुनाव नतीजे आए तो जीत शिवसेना उम्मीदवार की हुई। तो इस तरह शिवसेना बनने के 4 साल बाद शिवसेना का पहला विधायक बना। ठाकरे हर मन से एक ही बात कहते थे, महाराष्ट्र में मराठाओं के हितों की रक्षा सबसे जरूरी है। ये बात मुंबई के हर घर में पहुंचने लगी। धीरे धीरे हर गली मोहल्ले के दबंग युवा शिवसेना के साथ जुड़ने लगे। मुंबई में लोग उन्हें गॉडफादर की तरह देखने लगे और ठाकरे भी हर किसी की मुसीबत और झगड़े सुलझाने लगे। वक्त के साथ साथ शिव सैनिकों की संख्या मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही थी। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा था, लेकिन शिवसेना बड़ी कामयाबी की तलाश में थी। इसे देखते हुए ठाकरे ने मराठी मानस के साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाई। 80 से 90 के दशक में इससे फायदा भी मिला। 1987 के दिसंबर में विले पार्ले विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने हिंदुत्व का आक्रामक प्रचार किया। चुनावी अखाड़े में गर्व से कहो हम हिंदू हैं के नारे लगते रहे। शिवसेना उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए मिथुन चक्रवर्ती और नाना पाटेकर जैसे कलाकारों को उतारा गया, लेकिन सारी तिगड़म बेकार साबित हुई, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने की वजह से चुनाव आयोग ने ठाकरे से 6 साल के लिए मतदान का अधिकार छीन लिया था। अब बात महाराष्ट्र में शुरू हुए परिवार राज और फिर सियासत को लेकर परिवार में होने वाली खींचतान की। साल 2000 आने तक बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे पार्टी में दूसरे नंबर के नेता बन चुके थे। राज के आक्रामक तेवर और विस्फोटक बयानों को देखकर लगने लगा था कि आगे चलकर वही बाला साहब के उत्तराधिकारी बनेंगे। बाला साहब की छवि लोग राज ठाकरे में देखने लगे थे। बाला साहब के 3 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे जयदेव की 1995 में मौत हो गई थी। अगले ही साल कार एक्सीडेंट में दूसरे बेटे बिंदु माधव की भी जान चली गई और तीसरे बेटे उद्धव को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें फोटोग्राफी का पैशन था, लेकिन 2002 में बाल ठाकरे के कहने पर पहली बार उद्धव किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुए और फिर धीरे धीरे उन्हें पार्टी की जिम्मेदारियां दी जाने लगी। उद्धव पिता का इशारा समझ रहे थे और जैसे तैसे उन्हें राजनीति समझ आने लगी, वो एक्टिव होकर बड़े फैसले लेने लगे। उन्होंने 2002 के चुनाव में राज ठाकरे के कई करीबियों के टिकट काट दिए, जिससे राज ठाकरे नाराज हो गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। चुनाव परिणाम आया तो शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। इस जीत के अगले साल ही 2003 में ठाकरे ने उद्धव को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया, जबकि अब तक पार्टी में सिर्फ शिवसेना प्रमुख का ही पद था, लेकिन पहली बार उद्धव के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का नया पद बनाया गया। बाल ठाकरे के इस कदम से राज ठाकरे की अपने चाचा से नाराजगी और बढ़ गई। शिवसेना में लगातार उद्धव ठाकरे का कद बढ़ता जा रहा था और राज को कोई पूछ नहीं रहा था। ठाकरे परिवार की अंदरूनी कलह निकल कर आई साल 2005 में, जब राज ठाकरे ने पत्र लिखकर बाला साहब ठाकरे से कहा, चापलूसों की चौकड़ी आपको गुमराह कर रही है। उन्होंने कोंकण लोकसभा सीट पर हार के लिए भी इस चौकड़ी को ही जिम्मेदार ठहराया था। उनका इशारा
उद्धव, मिलिंद नार्वेकर और सुभाष देसाई की तरफ था। राज के बागी तेवर देखकर भी बाला साहब शांत थे। राज ठाकरे के लिए उद्धव के साथ काम करना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में उन्होंने दिसंबर 2005 में शिवसेना छोड़ने का फैसला किया और अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम रहा महाराष्ट्र नव निर्माण सेना। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे परिवार में फूट के बाद पार्टी को मजबूती देने के लिए बाला साहब ठाकरे ने फिर से कमान अपने हाथ में ले ली। उन्होंने फिर से मराठी और हिंदुत्व के नारे को पुरजोर तरीके से उठाया और संगठन में नई जान फूंक दी। यहां तक कि साल 2006 में उन्होंने षणमुखानंद हॉल में आयोजित शिवसेना के एक कार्यक्रम में मुसलमानों को हरा जहर तक कह दिया था। वही बात करें सियासत की, तो आज भले ही उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हों, लेकिन बाला साहब ठाकरे हमेशा से ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। जीते जी उन्होंने कभी कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं किया। साल 1989 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2007 तक वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े और मिलकर सरकार बनाते रहे। बाला साहब के समय से ही महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में ही रही, यानी वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी और बड़े फैसलों में बाल ठाकरे की ही चलती थी। साल 2012 में बाला साहब का निधन हो गया। उनके बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह शिवसेना की कमान संभाली। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ने सामना को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि शिवसेना पिछले 25 साल के गठबंधन में सड़ रही है, बीजेपी के साथ गठबंधन करके शिवसेना को नुकसान हुआ है। उनके इस बयान के बाद दोनों दलों में खटास आ गई और गठबंधन टूट गया। नतीजा ये हुआ कि मोदी लहर के चलते उस चुनाव में 288 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी शिवसेना को बीजेपी से आधी सीटें ही मिली। 2014 में बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत दर्ज की और शिवसेना ने 63 सीटों पर। घूम फिर कर शिवसेना को वापस बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होना पड़ा। अब बात ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे की। बताया जाता है कि उद्धव ने आदित्य को साल 2010 में ही राजनीति में उतार दिया था और उन्हें शिवसेना की युवा शाखा का अध्यक्ष बनाया था। 2019 में आदित्य पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद उद्धव ने अपनी सरकार में अपने 32 साल के बेटे आदित्य ठाकरे को कैबिनेट मंत्री बनाया। अब बात उस शख्स की जिसने ठाकरे परिवार का ना होते हुए भी न सिर्फ उसकी सत्ता बल्कि पार्टी का सब कुछ उनसे छीन लिया, और वो है महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के सतारा जिले में पैदा होने वाले एकनाथ शिंदे के बारे में बताया जाता है कि वो 16 साल की उम्र में शिवसेना के वरिष्ठ नेता आनंद दिघे से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए थे। घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए वो 20 साल की उम्र में बैचलर की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ठाणे में ऑटो रिक्शा चलाने लगे। उन्होंने उसी वक्त ठाणे और आसपास के इलाके में शिवसेना को मजबूती देने के लिए अपना खून पसीना बहाया और बहुत जल्द बाल ठाकरे के करीब आ गए। 1997 में शिंदे पहली बार ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सदस्य चुने गए। 2004 में पहली बार विधायक बने और फिर लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा धमाका किया और उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका दे दिया। जून 2022 में महाराष्ट्र में एमएलसी के 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे। सभी पार्टियों के विधायकों की संख्या के हिसाब से जीत का फॉर्मूला तय था। ये तय था कि बीजेपी को 4, शिवसेना को 2, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को भी 2 सीटों पर जीत मिलेगी। लेकिन खेल तब बिगड़ा जब चुनाव परिणाम में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों को जीत मिली। इससे क्लियर हो गया था कि बैकडोर से किसी ने तो बीजेपी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की है। उद्धव को बताया गया कि कांग्रेस के अलावा उनकी अपनी पार्टी के भी 12 विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया है। उद्धव ने तुरंत विधायकों की मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग से एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायक गायब रहे। तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन उद्धव एकनाथ शिंदे को नहीं मना सके। 40 से ज्यादा विधायकों ने शिंदे का साथ दिया और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस तरह 56 साल पहले बनी बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना फिर से टूट गई, लेकिन इस बार वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था।
पहली बार किसी बागी नेता ने पार्टी के नाम और निशान पर भी अपना दावा ठोका था। कुछ दिनों तो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को सौंप दिया। इस तरह ठाकरे परिवार के हाथ से शिवसेना छीन ली गई और वो कुछ नहीं कर पाए। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।